नमस्कार, हंसाने की गारंटी के साथ पेश हैं आपके सामने 10 पेट फाड़ू चुटकुले। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक यात्री ट्रेन से उतरा, उसने पास में खड़े झंडू से पूछा, अरे भाई ये कौन सा स्टेशन है? झंडू हंसा और हंसा, जोर जोर से हंसा, हंस हंस के लोटपोट हो गया और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए बोला, पगले ये रेलवे स्टेशन है रे। झंडू ने रामू को थप्पड़ मार दिया। रामू, ये थप्पड़ तूने मजाक में मारा या सीरियस होकर? झंडू, सीरियस होकर। रामू, फिर ठीक है, मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। झंडू पैरासूट बेच रहा था। आइए आइए, इसे आप हेलीकॉप्टर से कूद सकते हैं और एक बटन दबाते ही आप लैंडिंग भी कर सकते हैं, और तो और इस पैरासूट से आप किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित बच सकते हैं। कस्टमर, और अगर ये ओपन ना हुआ तो? झंडू, तो पूरे पैसे वापस। डॉक्टर झंडू से, कहिए कैसे आना हुआ? झंडू, डॉक्टर साहब लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, शराब पीते हो क्या? झंडू, हाँ हाँ बिल्कुल, पर छोटा पैग ही बनाना। झंडू रामू से गुस्से में बोल रहा था, यार जब मैंने तुझे खत लिखा था कि मेरी शादी में जरूर आना तो तुम आए क्यों नहीं? रामू, ओहो यार, मुझे तुम्हारा खत मिला ही नहीं। झंडू, मैंने लिखा तो था कि खत मिले चाहे ना मिले, तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। रामू झंडू से, अरे ये तेरे हाथ पैर कैसे टूट गए? झंडू, कुछ नहीं यार, पड़ोस में एक चाइनीज रहता है, उसकी बीवी मर गई, पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। रामू, तो? झंडू, तो क्या, वो रो रहा था और मैंने भी कह दिया, दुखी मत हो, तेरी बीवी कम से कम 1 साल तो रही, वरना चाइनीज माल इतना कहाँ चलता है। झंडू और गमंडू ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। जब झंडू ट्रेन में चढ़ा तो लोगों ने कहा, वेल डन। झंडू बोला, खाक वेल डन, जाना तो उसे था, मैं तो उसे छोड़ने आया था। झंडू का बेटा पांव फैलाकर बड़े आराम से सो रहा था। झंडू, उठ बे। बेटा, क्या हुआ? झंडू, स्कूल क्यों नहीं गया? बेटा, बापू तुमने ही तो कहा था एक ही जगह बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है। झंडू गमंडू से, यार मैं मेरे घरवालों से ना बहुत परेशान हूँ। गमंडू, क्यों? झंडू, अरे मेरे घरवालों को घड़ी में टाइम तक देखना नहीं आता। गमंडू, मतलब? झंडू, सुबह सुबह मुझे जल्दी उठाते हैं और कहते हैं, उठ जा, देख कितना टाइम हो गया। झंडू बाजार जा रहा था, उसे अचानक जोर से सुसु लगी। वहां एक दीवार पे लिखा था, यहाँ कुत्ते ही सुसु करते हैं। झंडू ने वहीं सुसु कर दिया और खिलखिलाते हुए बोला, देखा इसे कहते हैं दिमाग, सुसु मैंने किया और नाम कुत्तों का लगेगा।